हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने हथियार के बल पर फैक्ट्री में घुसकर कर्मचारियों के साथ मारपीट की और नकदी, मोबाइल समेत कई चीजें लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में खंगाली जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर धर्म नगरी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो रहे हैं। मेरी फर्म के अंदर 9-10 आदमी आए, उन्होंने डंडों से लड़कों को पीटा, उनके हाथ पैर बांधे और उनकी खूब पिटाई की। एक लड़के ने सिर पे तमंचे से उसका बट मारा और उसका सिर फाड़ दिया। उसके बाद वो उसको सब लड़कों को सब तलाशी ली, जो पैसे थे वो ले गए, जो एटीएम कार्ड था, डेबिट कार्ड था वो ले गए। फिर कार की तलाशी ली, उसमें कागज पत्र सब फाड़ दिए, उसे 20-1 हजार रुपये पड़े।